तो भाई लोगों कैसे हो। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होममेड सैनिटाइजर हम कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं मार्केट में गया था और मैंने वहाँ से एक सैनिटाइजर परचेज करा। तो फ्रेंड्स जब मैंने उसको यूज़ करा तो उसके अंदर बस पानी भरा हुआ था। तो फ्रेंड्स मैंने उसको वापस करा और अपने पैसे वापस ले लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे कितने लोग हैं जो सैनिटाइजर खरीद रहे हैं और उन लोगों को सैनिटाइजर के नाम पे सिर्फ पानी ही बेचा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मार्केट के अंदर सैनिटाइजर की इतनी कमी है कि हर किसी को सैनिटाइजर मिल नहीं पा रहा और फ्रेंड्स जिन्हें मिल रहा है वो भी डुप्लीकेट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं अभी अपने घर के लिए सैनिटाइजर बनाना चाह रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो को शेयर करूँ, आप सब लोगों तक ये वीडियो पहुँचाऊँ ताकि आप भी अपने घर में ही सैनिटाइजर बना सकें, वो भी बहुत कम पैसों में। इस टाइम आप बाहर का सैनिटाइजर ना खरीदें क्योंकि वो डुप्लीकेट हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा कि आप घर में सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल लिया। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर पे एलोवेरा का पौधा मौजूद है तो आप उसका फ्रेश जेल निकाल लीजिए। अगर आप लोगों के घर पे नहीं है तो आप मार्केट से एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 2 या 3 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल निकाल लिया। तो फ्रेंड्स मैं अपने घर के लिए ज़्यादा निकालूंगा पर मैं इस टाइम आपको सैनिटाइजर बनाना सिखा रहा हूँ, इसकी बेसिक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ एलोवेरा जेल ले लिया और फ्रेंड्स इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे रबिंग एल्कोहल। तो फ्रेंड्स ये भी आपको मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये रबिंग एल्कोहल है, इसके अंदर 99% एल्कोहल है। इसी एल्कोहल के कारण आपके हाथ के सारे जम्स मरेंगे और आपका हैंड एकदम सूखेगा। जैसे हम सैनिटाइजर लगा के मसलते हैं आपका हाथ फिर वैसे ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी हवा में मिलते ही ये भी एकदम सूख जाएगा और आपके सारे जम्स मार देगा। तो फ्रेंड्स आप नाम एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रबिंग एल्कोहल। तो फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा 52 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैं अभी ख़रीद के लाया हूँ, ये 52 रुपीज़ का मुझे मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच रबिंग एल्कोहल। और फ्रेंड्स फिर इसके अंदर हम खुशबू के लिए डालेंगे ग्लिसरीन। अगर फ्रेंड्स ये भी आपको मेडिकल पे मिल जाएगा, अगर आप लोगों को ग्लिसरीन इसके अंदर नहीं डालनी आप बादाम ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ और खुशबू वाली चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं 1/2 चम्मच से भी कम इसमें ऐड करूँगा ग्लिसरीन। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डिटॉल। तो फ्रेंड्स डिटॉल लिक्विड लेना है हमें। तो फ्रेंड्स ये एंटीसेप्टिक होता है जो कि आपके जर्म्स को मारता है। तो फ्रेंड्स हमें 6-7 बूंदें लेनी है बस, तो मैं इसके यहाँ पे 6-7 बूंद इसके अंदर ऐड कर दूंगा। और फ्रेंड्स इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे सैनिटाइजर बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमें यूज़ कैसे करना है, हमें अपने हैंड पे लेना है और बस इसे इस तरह इसको मसलना है जैसे हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एकदम सूख गया, जैसे मैंने हाथ पे डाला और इसे मसला ये एकदम सूख चुका है। तो फ्रेंड्स ये सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा कारगर है आपके सारे जर्म्स ख़त्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस टाइम हमें सैनिटाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मार्केट में नहीं मिल रहा, अगर आपको नकली मिल रहा है तो फ्रेंड्स आप ये घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी उससे ज़्यादा असरदार है, ये भी आपके सारे जर्म्स को ख़त्म करेगा और उससे ज़्यादा असरदार है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे हाथों को ये एकदम सूख चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप ऐसे एक लिक्विड की बोतल के अंदर इसे करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आप फिर ऊपर से प्रेस करें आपके हाथ में सैनिटाइज़र आ जाएगा।
या आपके पास कॉलिन होता है, हम शीशे साफ करते हैं, उसकी बॉटल हो या किसी और चीज़ की बॉटल, तो आप उसके अंदर इसको भर के रख सकते हैं। अगर आपको कोई बॉटल नहीं मिलती तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। चम्मच की मदद से आप इसे अपने हैंड पे लीजिए और रब कीजिए, और बाकी सारा काम ये अपने आप खुद करेगा, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वापस सूख गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने घर के लिए ज़्यादा सैनिटाइज़र बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए।